हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के आप लोगों को जो नागरिक जीवन यानी सिविक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो यार, इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यार ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, और उसके बाद देख लीजिए एक क्वेश्चन ये है हम लोग का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, क्या कोई व्यक्ति इस पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ये एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीचे भी एक क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, अंत तक देखते रहिए। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए गाइज, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय मतलब आप समझते होंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी जो दिल्ली में स्थित है। तो इसमें देखिए, इसमें मैं बता दूँ कि काफ़ी जो न्यायाधीश हैं, इसमें कई ठे न्यायाधीश होते हैं। एक तो न्यायाधीश, इसमें कई लगभग माना जाता है कि 30 न्यायाधीश होते हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं, नॉर्मली जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो अवकाश प्राप्त होती है, मतलब जो उनका मतलब जैसे ड्यूटी से ख़त्म कब किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट उनकी कब होती है, तो 62 वर्ष हो जाते हैं तो उनकी रिटायरमेंट होती है। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी 65 वर्ष की उम्र में वो अवकाश प्राप्त करता है, यानी रिटायरमेंट लेता है। कितनी? 65 वर्ष की अवस्था में। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और उसकी अवकाश प्राप्ति का समय कितना है? 65 वर्ष, यानी वह 65 वर्ष तक जॉब करता है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में रह सकता है, 65 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, क्या कोई व्यक्ति इस पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकता है। आप लोग एक बार और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पढ़िए, भारत का उपराष्ट्रपति भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, क्या कोई व्यक्ति इस पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यानी एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो क्या फिर बन सकता है। तो देखिए, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका कहने का मतलब कि जो हम लोग की लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो लोकसभा का एक स्पीकर तो चुना जाता है, और जो राज्यसभा का स्पीकर है वो खुद जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही स्पीकर होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति, यानी जो उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी रहेगा, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो आप समझ में आ गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और मैं बता दूं कि संसद के उच्च सदन लिखा, उच्च सदन यानी वही राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा का उच्च सदन बोलते हैं, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों में पूछ देता है कि राज्यसभा को कौन सा सदन बोलते हैं, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, और यहाँ से हम लोग का मेन क्वेश्चन है उसका आंसर कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व, क्या लिखा है? प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो देखिए, आप इसका क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आंसर यहाँ तक तो भी सही माना जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं तो और बेटर हो जाएगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व, ठीक है, के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। क्या ऊपर पूछा था ना क्वेश्चन में कि क्या यह दोबारा चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ भाई, उपराष्ट्रपति जो है वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, किसकी स्वीकृति से
कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है। इसका क्वेश्चन का मतलब कि देखिए, अगर कोई लोकसभा में बिल पास होता है, मतलब कोई कानून, कोई नया कानून आया तो लोकसभा में पास हो गया, तो उसे उसके बाद राज्यसभा से पास होना पड़ता है, और राज्यसभा से मान लीजिए पास हो गया तो सबसे अंत में राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति को उस वो मतलब जो व्यवस्था बनाई गई है अच्छा लगे तो राष्ट्रपति अगर उसको मंजूरी दे दे तो वही कानून बन जाती है और पूरे देश में लागू हो जाती है। तो वही कह रहा है कि किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है, यानी कौन सा विधेयक नियम बन सकता है किसकी स्वीकृति से, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अधिनियम बन सकता है। देखिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों बिल पास कर दे कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करे तो नियम नहीं बन पाएगा, देश में लागू नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति पास कर दे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। तो यही थे कुछ इस वीडियो में क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप सब इन सब क्वेश्चन को याद कर जाइएगा। तो थैंक यू गाइज।